नॉर्मल चीजें जो माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी खतरनाक दिखती हैं। सबसे पहले ये जो खतरनाक सा हथियार लग रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या चीज है? वेल, ये आपका ही बाल है, सर का, जो कि बीच में से टूटने के बाद माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप से टॉयलेट पेपर देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। देखकर ही लग रहा है कि अगर इससे गलती से पहुंच लिया तो जख्मी कर देगा ये तो। इससे तो पिचकारी मस्त है यार अपनी। नेक्स्ट, ये कोई कारून का खजाना नहीं है, एक्चुअल में ये रेगिस्तान के रेत के बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। हाँ, अगर ये बड़े होते तो किसी खजाने से कम भी नहीं लगते। नेक्स्ट, शार्क के नुकीले दांतों से डर तो लगता ही है, लेकिन जब शार्क की खाल को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो खाल से भी डर लगने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टच होते ही खून ही निकाल देगी। हमारी दुनिया जानवरों को बिल्कुल ही अजीब दिखाई देती है। सबसे पहले स्नेक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनका विजन इंसानों से बहुत अलग होता है और इन्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है क्योंकि ये थर्मल सिग्नेचर्स को सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट, कबूतर, इनका विजन बहुत तगड़ा होता है, जैसे कि हमें ये सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है लेकिन एक कबूतर इस रोड के क्रैक्स यानी कि दरारों को भी देख सकता है बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। नेक्स्ट, बिल्ली, इनको हमारी तरह ज्यादा कलर्स तो नहीं दिखाई देते लेकिन ये रात में इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती है, यानी कि जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा वहां बिल्ली आराम से देख सकती है। नेक्स्ट, मक्खी, इनको दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकती है। और मक्खियों में मधुमक्खी का विजन काफी अजीब होता है, दरअसल इन्हें लाल कलर दिखता ही नहीं क्योंकि हर लाल चीज इन्हें नीली दिखाई देती है। ये बिल्कुल असली है, इसका नाम है दी MSG स्फेयर। दरअसल ये एक बॉल जैसी नई नवेली बिल्डिंग है जिसे अमेरिका के लास वेगस में बनाया गया है। इस पर 12 लाख LEDs लगाई गई हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन बनाती है। इसकी लंबाई है 366 फीट और चौड़ाई है 516 फीट और इसे चांद या बास्केटबॉल या पम्पकिन या फलाना ढिमकाना कुछ भी बनाया जा सकता है। इस एरिना में स्पोर्टिंग इवेंट और लाइव कॉन्सर्ट जैसी चीजें आयोजित की जाएंगी, जिसे देखने के लिए इसके अंदर 18,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 2.3 बिलियन US डॉलर्स यानी कि 18,800 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। ये जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे पहले प्रोडक्ट्स कौन से थे? सबसे पहले 1946 में सोनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक राइस कुकर। नेक्स्ट, साल 1865 में नोकिया का पहला प्रोडक्ट था टॉयलेट पेपर। मेरे हिसाब से मोबाइल छोड़कर इन्हें फिर से टॉयलेट पेपर ही बनाने चाहिए। नेक्स्ट, LG कंपनी की स्टार्टिंग कॉस्मेटिक से हुई थी, ये फेशियल क्रीम्स और टूथपेस्ट जैसे आइटम्स बनाते थे। नेक्स्ट, 1806 में कोलगेट कंपनी का पहला प्रोडक्ट था साबुन और मोमबत्ती। नेक्स्ट, 1938 में सैमसंग के सबसे पहले किराना स्टोर्स हुआ करते थे और ये फ्रूट्स और मछली भी एक्सपोर्ट किया करते थे। अरे दो सैमसंग से गैलेक्सी मच्छी पकड़ लिए। क्या आप जानते हो कि आप अपनी पूप से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो? जी हाँ, पूप से। दरअसल साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक BV नाम का टॉयलेट बनाया है जिसमें जैसे ही कोई इंसान अपनी मालगाड़ी खाली करता है तो वैक्यूम सिस्टम उसे चूस के एक अंडरग्राउंड टैंक में डाल देता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे मीथेन गैस बना देते हैं जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है जिससे मस्त फोन चार्ज होगा और घर का चूल्हा भी जलाया जा सकता है जिस पर मस्त स्वादिष्ट रोटियां बनेंगी। और तो और, इस टॉयलेट में एक बार काम तमाम करने पर आपको तकरीबन 250 रुपीज दिए जाते हैं डिजिटल करेंसी के रूप में, जिन पैसों से खाना खा के आप फिर से मालगाड़ी रेडी कर सकते हो।